बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर ऑल वेरी वेल। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बैक्टीरियोफेज के बारे में, और आज का जो हमारा लेक्चर है वेस्टिव प्लांट फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज टीएमवी। तो टीएमवी पे जाने से पहले आप लोगों को इस वायरस के सबसे पहले वायरस के बारे में इंट्रो के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताती चलो कि टीएमवी के बारे में कैसे पता चला कि टीएमवी वायरसेस क्या होता है, उसके नाम किससे लिवानोव्स्की ने कैसे डिस्कवर किया। छोटी सी बात है, लिवानोव्स्की ने टबाकू के ऊपर ही इसको टबाकू मोज़ेक ही नाम क्यों दिया था, क्योंकि एवरीवेयर टीएमवी का क्या है, टबाकू मोज़ेक वायरस, ठीक है। टबाकू प्लांट के ऊपर डिजीज हुई थी, लिवानोव्स्की ने इसको डिस्कवर किया था। कैसे, जो लिवानोव्स्की ने अपने टबाकू के प्लांट लगाए हुए थे ना, तो जब उसने उसके ऊपर व्यू किया ना, उनके ऊपर जाके उसने देखा कि कुछ प्लांट तो बिल्कुल हेल्दी थे, ग्रीन थे, लेकिन कुछ लीफ के ऊपर उसको ना स्पार्क या स्पोर दिखाई दे रहे थे, या कुछ की वेन का कलर चेंज हुआ हुआ था, या कुछ करंट हुए हुए थे, मुरझाए हुए हुए थे, लेकिन कुछ प्लांट बिल्कुल शाइन और हेल्दी दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, उसके माइंड में सिर्फ यही आया कि इसको ना बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है। उसने ये चीज़ देखने के लिए ना उन प्लांट को, इन्फेक्टेड प्लांट के लीव्स को कलेक्ट कर लिया, उसको क्या किया, क्रश किया, मिक्सर बनाया, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे क्या किया, व्यू किया, तो उसको कुछ पार्टिकल दिखाई दिए। उसने उसको सब क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसने वही वो जो फ्लूइड बनाया था ना, मिक्सर बनाया था, उसने वो मिक्सर को अगेन जाके हेल्दी जो प्लांट थे ना, सिर्फ यही चेक करने के लिए क्या हेल्दी प्लांट को डिजीज अगेन होती है, क्योंकि मैंने तो वो इन्फेक्टिव पार्टिकल को कलेक्ट कर लिया है। उसने वो मिक्सर को हेल्दी प्लांट के ऊपर क्या कर दिया, लगा दिया, स्प्रेड कर दिया, ठीक है। छिड़काव छिड़काव नहीं करते हम किसी चीज़ का, उस तरह उसने उसको बढ़ा दिया। अगले दिन जब वो आता है ना, तो वो जो हेल्दी प्लांट होते हैं वो भी इन्फेक्टेड होते हैं। अब उसने के माइंड में ये था कि ये जो इसको इन्फेक्ट कास्ट कर रहे थे वो तो बैक्टीरिया था, मैंने तो बैक्टीरिया को कलेक्ट कर लिया है, तो बैक्टीरिया को कलेक्ट करने के बाद भी प्लांट को डिजीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्लांट के अंदर ना बैक्टीरिया से भी छोटी कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कास्ट कर रही है। लेकिन लिवानोव्स्की को उसके बारे में नहीं पता था। लिवानोव्स्की ने, क्योंकि उस वक्त वायरस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, वायरस के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि वायरस भी होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, लिवानोव्स्की ने इधर तक अपना काम लिखा, उस बुक को पब्लिश कर दिया, छोड़ दिया, उसने उसके ऊपर काम नहीं किया। उसके बाद कुछ ईयर्स बाद स्टेलने आया, स्टेलने ने अगेन इसकी बुक को रीडॉक किया और उस पर वर्क किया, और स्टेलने ने इस वायरस को फर्स्टली आइसोलेट किया, तो स्टेलने ने इसका स्ट्रक्चर को क्या किया, डिस्क्राइब किया, और हम अपने इस लेक्चर में डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। मैंने भी आपको बताया इसकी, हमने हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस किया कि हमारा टॉपिक है वो है तंबाकू मोज़ेक वायरस। अभी मैंने आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया कि तंबाकू को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया और किस तरह से इसको आइसोलेट किया गया और ये क्यों इसको तंबाकू मोज़ेक वायरस का नाम दिया गया था, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने जिस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन जो कि ऑलरेडी आपको मैंने पूरा बता दिया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स, सिम्टम्स यानी कि जो डिजीज कास्ट हो रही है तंबाकू मोज़ेक वायरस, उसके सिम्टम क्या है, ठीक है, जिसके बेस पे हम इसको बता सकते हैं कि दैट इज तंबाकू मोज़ेक वायरस डिजीज, ठीक। उसके बाद हम इसका डिटेल में रीड आउट करेंगे स्ट्रक्चर, कि तंबाकू मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि इसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे व्यू किया गया तो इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है तंबाकू मोज़ेक वायरस। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन, कि ये तंबाकू मोज़ेक वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैसे ट्रांसफर होता है, यानी कि इन शॉर्ट हम ये बता सकते हैं कि तंबाकू मोज़ेक का लाइफ साइकिल क्या है, ये किस तरह से स्प्रेड होता है, किस तरह से इन्फेक्शन काज करता है, ये किस तरह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होता है, इन शॉर्ट इज द ट्रांसमिशन, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑलरेडी अबाउट इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लिवानोव्स्की ने इसके ऊपर वर्क सबसे पहले किया था, जिसका कंप्लीट नेम क्या है, डिमेस्ट्री लिवानोव्स्की, जिसको आप इन शॉर्ट फॉर्म में डी लिवानोव्स्की भी बोल सकते हैं। इसने सबसे पहले टीएमवी को डिस्कवर किया था, और डिस्कवर करने के बाद फर्स्ट जो आइसोलेट किया गया था, इसको कलेक्ट जिसने किया था, जिसने इसके ऊपर वर्क किया था और इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हमें बताया था टीएमवी के बारे में, वो कौन थे, स्टेलने थे, जब उन्होंने 1935 में इसको क्या किया था, आइसोलेट किया था। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है वो, उसके सिम्टम क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्टेड प्लांट और हेल्दी प्लांट में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, वो सिम्टम है या जो इन्फेक्टेड प्लांट होगा ना, जिसको जो टीएमवी ने डिजीज कास्ट की होगी, वो प्लांट के जो लीव्स होंगे ना, मोस्टली जो लीव होंगे, ये पूरे प्लांट के ऊपर डिजीज कास्ट नहीं करता, ये स्पेसिफिक एरिया के ऊपर डिजीज कास्ट करता है, स्पेशली इसकी डिजीज कास्ट होती है लीव के ऊपर, तंबाकू लीव के ऊपर, ठीक है।
तंबाकू लीफ के ऊपर मोज़ेक पैटर्न दिखाई देगा। अब ये मोज़ेक पैटर्न क्या होता है, आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत अच्छे से इसको डिटेल में स्टडी किया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो मॉडल दिए गए थे, फ्लूइड मोज़ेक मैन है। मोज़ेक उसका क्यों नाम रखा गया था, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रोटीन थी ना वो एक सीक्वेंस में थी, एक सीक्वेंस में स्प्रेड नहीं थी कहीं कहीं, यानी कि स्प्रेडिंग थी। यानी कि इन शॉर्ट में एग्जाम्पल दो कि एक सी है और उसके अंदर एक यानी कि सीक्वेंस है नहीं अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि क्या प्रेजेंट है, शीट प्रेजेंट है, तो हम उसको कहेंगे कि उसके ऊपर कुछ धब्बे नुमा चीज़ें नहीं होती हमें दिखाई देती है मुझे। इसी तरह लीव्स के ऊपर आप देखें ना, लीव का स्मूथ एरिया, उसकी स्मूथ एरिया की बजाय उसके ऊपर स्पार या स्पॉट दिखाई देना शुरू हो जाए, ब्राउनिश कलर के ग्रीन भी अदर रेदर एंड ग्रीन, यानी कि ब्राउनिश कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं, हमें उसका नाम देते हैं मुझे। लाइक जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है और उसके ऊपर मैंने आपको शो कराया हुआ है कि एक लीव है, उसकी लीव के ऊपर मैंने ब्लू स्पॉट बनाया है, स्पॉट स्पॉट, ठीक है ना। इसको हम मोल्टिंग भी बोल सकते हैं, इसको आप मोज़ेक पैटर्न भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर डिजीज पास होगी उनके लीव इस तरह से इन्फेक्टेड होंगे। उसके अलावा बेटा मोल्टिंग, मोल्टिंग यही स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मार्जिन या स्पेसिफिक एरिया के ऊपर एक स्पॉट बन जाएंगे, ठीक है, ब्राउनिश कलर के, उसको हम मोल्टिंग बोलते हैं। उसके अलावा लिखा है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होती है, ऑलरेडी आपको पता है नेक्रोसिस होता है सेल टिश्यू का सुसाइड कर जाना ड्यू टू डिजीज, ठीक है, सेल टिश्यू का डैमेज हो जाना, नेक्रोसिस उसको हम बोलते हैं। स्टडिंग, स्टडिंग एंड लीव कलिंग क्या होता है, स्टडिंग कहते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि प्लांट की जो लेंथ है ना वो शॉर्ट हो जाती है, वो ग्रो नहीं करता, अपवर्ड लेंथ वाइज इंक्रीज नहीं करता, उसको हम बोलते हैं या स्टडिंग, ठीक है। उसके बाद लिखा है लीव कर्लिंग। लीव कर्लिंग क्या होता है, हेल्दी लीव आप लोगों को बिल्कुल फ्रेश दिखाई देता है, लेकिन अगर हेल्दी लीव प्लांट के ऊपर लगा हुआ उसके ऊपर कर्ल पड़ना शुरू हो जाए ना, कर्ल का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी प्लांट को, लीव को प्लांट से सेपरेट करते हो तो वो मुरझाना शुरू हो जाता है, उस तरह की अगर कंडीशन प्लांट के ऊपर लगे हुए लीव की होना शुरू हो जाना तो इट्स मीन इट्स डिजीज कास्टिंग प्लांट, इसको किसी पैथोजन ने डिजीज कास्ट की हुई है, और ये पीएमवी का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आई होप सो आपको सिम्टम्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेस हम इसके बारे में। और कुछ प्लांट के ऊपर मैंने यहाँ से दिखाया है कलोराइसिस। कलोराइसिस आपको पता है क्लोरोफिल वर्ड से निकला, क्लोरोफिल मीन्स दोज प्लांट विच शो इन ग्रीन कलर। कलोराइसिस क्या होती है, लाइसिस मीन होता है ब्रेक डाउन, कलोराइसिस मीन ग्रीन कलर का चेंज हो जाना, ग्रीन का किसमें का चेंज होना अदर देन ग्रीन, यानी कि येलो कलर में कन्वर्ट हो जाना। तो इसमें जो होता है ना तंबाकू प्लांट में, जब तंबाकू वायरस डिजीज पास होती है तो इसमें जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना उनकी जो मिडरिप होती है और जो वेन होती है उनका कलर चेंज हो जाता है। लीव पूरा जो लीव होता है ना, लीव की सरफेस होती है वो ग्रीन होती है, लेकिन मिडरिप और जो वेन होती है वो येलोश कलर में हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कलोराइसिस। ये भी किसकी वजह से होती है, तंबाकू प्लांट की वजह से होती है, क्लियर है। हम इसके ना जैसे कि मैंने बताया हमने सिम्टम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये तंबाकू प्लांट है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे व्यू करते हैं तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, अदर देन अगर माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखें ना तो ये इलेक्ट्रोग्राफी वे के थ्रू इसकी इमेज ली गई है, अदर देन अगर आप इलेक्ट्रॉन के नीचे देखते हैं ना तो आपको ऐसे दिखाई देंगे जैसे रोड्स नहीं होते, रोड्स ऐसे, ये आपको इस तरह करके दिखाई देंगे बिल्कुल ऐसे, इनकी कुछ बात रोड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इसकी क्रिस्टलोग्राफी आप लोग करोगे ना तो एक्सरे की मदद से तो आपको ये इमेज जो है ना इस तरह दिखाई देगी। ये तंबाकू की पूरी क्या है स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये मैंने रेड रीजन दिखाया है ना तंबाकू, तंबाकू इज अ प्लांट, ठीक है ना। तो हमने वायरस के टाइप के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी की है कि वायरस को जब क्लासीफाई किया गया था ना ऑन द बेस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, प्लांट जो वायरसेस होते हैं उनमें स्पेशल क्या प्रेजेंट है आरएनए, और जो एनिमल वायरस होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है डीएनए। तो तंबाकू इज अ प्लांट, तो इसमें जो वायरस डिजीज कास करेगा सिंपली उसमें क्या प्रेजेंट होगा आरएनए प्रेजेंट होगा। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, वैसे आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे टाइप हम लोगों ने पढ़ी है जिसमें डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें तंबाकू क्या है प्लांट है, उसमें जो डिजीज का सारा लाही है वो वायरस नहीं, कौन सा होगा प्लांट वायरस होगा। तो इसमें कॉइल फॉर्म में सिंगल स्टैंडर्ड क्या प्रेजेंट होगा आरएनए प्रेजेंट होगा, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होगा कॉइल फॉर्म में, ठीक है ना। ये जिसको मैंने किससे शो करवाया है रेड कलर से शो करवाया है। उसके अलावा आपको इसकी शेप ऐसे दिखाई दे रही होगी जैसे कि ग्रेप्स की दिखाई देती है, इसके अंदर ये पूरा जो ग्रेप्स के छोटे छोटे आप लोगों को यूनिट दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं कैप्सोमियर्स। आपको पता है कैप्सोमियर्स क्या होते हैं, इट्स अ सब यूनिट विच
मेड द कंप्लीट कैप्सिड. कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोड जो इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमियर से बनकर बना, मिल के बना होता है. अब इसमें जो टोटल कैप्सोमियर्स है ना, टोटल कैप्सोमियर्स के सब यूनिट कितने हैं, वो टोटल कितने हैं, 2130 टोटल कैप्सोमियर्स है जो मिलकर एक पूरा क्या बनाते हैं, प्रोटीन कोड बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं कैप्सिड. ठीक. इसके अलावा आपको पता ही है कि वायरस दो चीजों से मिलकर बना होता है, उसके कंपोजिशन में दो चीजें प्रेजेंट होती है, वन इज न्यूक्लिक एसिड एंड अदर वन इज द प्रोटीन. अब हमें इसमें देखना है कि इसमें प्रोटीन कितने परसेंट प्रेजेंट होती है और इसमें जो होता है ना न्यूक्लिक एसिड वो कितने परसेंट प्रेजेंट होता है. आपको जो ये कैप्सोमियर्स है ना, कैप्सोमियर्स इट्स अ प्रोटीन कोड, हमने अभी बताया है, स्मॉल सबयूनिट है जो मिलकर क्या बनाते हैं, कैप्सिड. और वो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से. इसलिए हम इसको प्रोटीन कोड भी बोल सकते हैं, यानी कि इसमें ज्यादा क्राइटेरिया किसका है, प्रोटीन का. और जो न्यूक्लिक एसिड है वो एज कम्पेयर टू प्रोटीन क्या है, स्मॉल अमाउंट है. लाइक यहाँ पे मैंने लिखा दिया इसमें आर एन ए कितने परसेंट रहते हैं, 5%. और इसमें जो प्रोटीन होती है वो इसमें कितने परसेंट होती है, 95%. ठीक है. अब अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ, प्रोटीन की, यानी कि कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोड, तो प्रोटीन का अगर बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें तो वो होते हैं अमीनो एसिड, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमीनो एसिड्स होते हैं. अमीनो एसिड्स मिलकर, यानी कि प्रोटीन्स मिलकर एक अमीनो एसिड क्या बनाती है, प्रोटीन को क्या बनाती है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाती है. अब ये जो हमने पढ़े ना कैप्सोमियर, टोटल कितने होते हैं, 2130, उसके अंदर टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं, 158. यानी कि इस कैप्सोमियर्स को कितने अमीनो एसिड मिलकर बना रहे हैं, 158 अमीनो एसिड मिलकर बना रहे हैं. दैट इज क्लियर. उसके अलावा बेटा हम डिस्कस करते हैं इसकी लेंथ और इसके डायमीटर की, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन. अब अगर मैं आपको, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बैक्टीरियोफेज को स्टडी किया था, तो हमने उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोर पढ़ा था. कोर मैंने आपको बताया था, एक सेंट्रल ट्यूब होती है, होलो ट्यूब होती है, जिसके अंदर से ट्रांसफर किसने होता होना होता है, ट्रांस जेनेटिक मटीरियल है जिसने आगे जाके दूसरे होस्ट सेल की मशीनरी को क्या करना होता है, अपने कंट्रोल में लेना होता है. तो ये जो होता है ना, सबसे पहले बेटा आपको इसका बताना चाहिए आरएनए कैसे प्रेजेंट होता है. इधर तक शो कर रहा है तो इट्स नॉट मीन कि यहाँ तक है, नहीं, ये सारा बेटा, ये देखो मैंने इसको सेपरेट करके यहाँ पे लिखाया है, इट्स अ रॉड शेप लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ आरएनए. ये कंप्लीटली टॉप टू बॉटम, यानी कि यहाँ तक ये क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है. और किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हेलिकल की फॉर्म में, लाइक सुप्रीम, ठीक है ना, सुप्रीम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और ये सारा कहाँ तक प्रेजेंट होता है, एयर तक, टॉप से बॉटम तक, ठीक है ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो, बॉटम टू टॉप तक प्रेजेंट होता है. और ये इस तरह से आपको दिखाई देता है, ठीक हो गया. लेकिन इसकी लेंथ टोटल कितनी होती है, 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, किसकी, आरएनए की, ठीक है, लेंथ इसकी. यहाँ तक अगर लेंथ की बात करते हैं ना, इसमें इसके लेंथ की बात करते हैं, कितनी होती है, 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है. अगर आप इसकी कंप्लीट डायमीटर की बात करें ना, अगर मैं इसके इतने इस तरह डायमीटर की बात करूँ, लेंथ नहीं, मैं डायमीटर की बात करी, वो कितनी होती है, 180 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, क्लियर. उसके अलावा बेटा अगर बात करें, अगर इसका क्लोज सेशन किया जाए, इसको कट कर दिया जाए, तो क्लोज सेशन के बाद ये मैंने नीचे डायग्राम बनाई है, इस तरह से आपको ये डायग्राम दिखाई देगी लाइक अ फ्लावर, ठीक है. इसके ना ये देखें, ये जो ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं ये इसके क्या है, कैप्सोमियर्स है. और इसके ये जो रेड में आपको दिखाई दे रहे हैं वो इसका क्या है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए है. और इसके अलावा ये सेंटर में जो होलो स्पेस है वो इसका क्या है, सेंट्रल कोर है, ठीक है. अब जो कैप्सोमियर एक है ना, एक कैप्सोमियर, उसकी लेंथ कितनी होती है, 50 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है. और अगर सेंट्रल कोर की मैं बात करूं, उसका डायमीटर कितना होता है, 40 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक बेटा. इसके अलावा अगर आप केले सेंट्रल कोर की लेंथ देखते हो ना, तो वो कितनी होती है, 80 आर्मस्ट्रॉन्ग. और उससे पहले मैंने आपको बताया, अगर आप पूरे आरएनए न्यूक्लिक एसिड की लेंथ की बात करते हो तो वो कितनी होती है, इसकी डायमीटर की बात करते हो तो कितनी होती है, 180 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है. ये सारी जो हम आपको इमेज दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे जो आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, इसकी मदद से ली गई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सरे ग्राफिक के थ्रू इसको क्या किया गया, इमेज को लिया गया. यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, और जब ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको भी इसी तरह डिस्क्राइब कर, जैसे मैंने आपको वो स्ट्रक्चर आपके सामने डायग्राम को डिस्क्राइब किया, उसको अब मैंने इस तरह से, यानी कि थ्योरी की फॉर्म में इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप उसको ऐसे कैसे भी लिख सकते हो. और मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी बुक से रीड आउट करने, ठीक है ना, यही मटेरियल है, यही इनफ है, आपको इसी को एज ए किसी तरह से याद करना, ठीक है ना.
तो स्ट्रक्चर में जैसे कि ऑलरेडी हमने बताया कि टीएनए क्या होता है, सिंपल रॉड शेप हेलिकल वायरस होता है, ठीक है, हेलिकल वायरस। इसके अंदर जो आरएनए का वो होता है क्या, कॉइल होता है, हेलिकल होता है, ठीक है ना। तो सिस्टिक रॉड सेंटर लोकेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ऑलरेडी मैंने अच्छे से इसको डिटेल में बता दिया, ठीक। दूसरा मैंने क्या बताया कि इसका जो रॉड होता है ना, यानी कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, वो कितने उसकी लेंथ होती है, 3000 एंगस्ट्रॉम होती है इन लेंथ, लेंथ वाइज, ठीक है। अगर आप उसका डायमीटर देखते हो तो वो कितना होता है, 180 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। उसके अलावा प्रोटीन कैप्सिड, यानी कि इसका प्रोटीन कोर, द प्रोटीन कोर इज टेक्निकली कॉल्ड कैप्सिड बिकॉज हम प्रोटीन कोर को कैप्सिड भी बोल सकते हैं, प्रोटीन कोर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो इसलिए हम इसको प्रोटीन कोर बोलेंगे, क्योंकि कोर है प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटीन कोर बोलेंगे। उसके अलावा अगर इस कैप्सिड को देखते ना, तो इसके कैप्सिड के सब यूनिट क्या होते हैं, कैप्सोमियर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कैप्सोमियर क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है जो मिलकर एक कैप्सिड बनाते हैं। तो इसके अंदर टोटल कैप्सोमियर्स कितने होते हैं, 2130, यानी कि 2130 कैप्सोमियर्स यूनिट प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर एक कैप्सिड कोर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके सेंट्रल कोर, जो कि सेंट्रल होता है टॉप टू बॉटम, जिससे जेनेटिक डीएनए ट्रांसफर होना होता है होस्ट बॉडी के अंदर, उसका डायमीटर कितना होता है, 40 एंगस्ट्रॉम होता है इन डायमीटर भी। उसके अलावा यहां पे लिखा है कि कैप्सोमियर जो होते हैं, यानी कि डीएनए है, अगर देखा जाए सिंपली तो हमें कैसा दिखाई देता है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कंटेनिंग अबाउट 150 अमीनो एसिड। मैंने पहले बता दिया कैप्सोमियर इज अ प्रोटीन कोर, तो प्रोटीन आपको पता है किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से, क्योंकि प्रोटीन के ब्रीडिंग ग्राउंड कौन होते हैं, अमीनो एसिड। तो इसका जो कैप्सोमियर होता है उसमें टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं, 158, ठीक, क्लियर। उसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल की बात करते हो तो आरएनए, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर टोटल नाइट्रोजन या न्यूक्लियोटाइड बेसिस कितनी होती है, 6500 to 7300 न्यूक्लियोटाइड इसमें प्रेजेंट होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में, बता दी जाए कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक हो गया। इसके अलावा इस के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि यहां पर मैंने रेड मार्कर से आपके लिए लिखी है, क्योंकि अभी हमने बात की कैप्सोमियर इज अ प्रोटीन कोड, तो प्रोटीन के आप लोगों ने एफएससी में बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर को स्टडी किया होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसमें डिफरेंट बॉन्ड आप लोगों ने रीड आउट किए होंगे, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कुछ होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कुछ होते हैं स्ट्रक्चर जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिज या बॉन्ड क्या होता है, एब्सेंट होता है, एनटीएमवी, ठीक हो गया। इसके अलावा इसकी जो अभी बात की ना प्रोटीन किससे मिलकर बना, अमीनो एसिड, तो उसके अंदर कौन कौन से दो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ये कौन से अमीनो एसिड हैं, उन दो को मैंने यहां बताया, इसमें जो ऐसा टाइलिन सी लाइन होता है ना, वो अमीनो एसिड क्या होता है, एंड टर्मिनल होता है, वो जो 200 होता है ना, 209 अमीनो एसिड को क्या होता है, सी टर्मिनल। अब ये एंड टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या होता है, ये देखिए अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला तो आपको पता ही है, किसके सेंट्रल कार्बन के दोनों साइड पे, एक साइड पे प्रेजेंट होता है अमीनो ग्रुप, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनएच अमाइनो ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं NH2। ये सेंट्रल कार्बन के एक साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, NH2, जिसको हम बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, और दूसरी साइड पे प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिली ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको C2OH कहते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल। अगर इस साइड पे चेन फ्री है अमाइनो ग्रुप, तो उसको हम बोलते हैं एंड टर्मिनल। अगर इसकी कार्बोक्सिली ग्रुप वाली साइड से चेन फ्री है ना, तो उसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल, क्लियर। और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी हुई है कि अगर आप आरएनए जो स्टैंड है ना, ये आरएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, आप उस हेलिकल आरएनए को टीएनए के कैप्सोमियर से निकाल के देते हैं ना, तो उसके बाद जो आरएनए होता है ना, वो क्या होता है, इंफेक्टेड होता है, ठीक है। इसके अलावा एक कैप्सोमियर है ना, ईच प्रोटीन सब यूनिट एक कैप्सोमियर, उसके अंदर टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने रह सकते हैं, आरएनए के 3, क्लियर। उसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्ट्रक्चर तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए हैं, ये सबसे पहले वायरस का जो डिस्कवर किया था, पहला वायरस था जिसको पोरीफाइड किया गया था, फर्स्टली इसको एक्सरे के नीचे कैरेक्टराइज किया गया था, फिर स्टेरोग्राफी सबसे पहले की गई थी, उसके अलावा ये सबसे पहला प्लांट वायरस था जिसको सीक्वेंस किया गया था।
मैं आज डीएनए के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में इसका लाइफ साइकिल, इसकी ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे, हाउ वो ट्रांसमिट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, प्लम यानी इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल को डिस्कवर करूंगी, सॉरी डिस्क्राइब करूंगी। लेकिन यहां पे तो इस टॉपिक से यहां तक जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो पेपर मॉड्यूल में से पूछे जा सकते हैं, मैंने यहां पे सिंपली लिख दी है, तो आप इस आंसर को नोट आउट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।